बिहार में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी 900 सीटों पर लड़ी थी, एकमात्र किशनगंज में सफल रही थी। कांग्रेस इस बार 10 सीटों की मांग कर रही है। अभी बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में जेडीयू भी शामिल है। जेडीयू के 16 सांसद हैं। कांग्रेस की पसंदीदा कुछ सीटों पर जेडीयू काबिज है तो कुछ पर वाम दल भी दावेदारी कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को इस बार नीतीश कुमार का ज्यादा समर्थन नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी लालू यादव के भरोसे है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के उनसे अच्छे रिश्ते हैं। इस भरोसे कांग्रेस 9-10 सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी सिटिंग सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे इसकी उम्मीद कम ही है। कांग्रेस को इस बार 5-6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। किशनगंज के साथ कटिहार, सुपौल, सासाराम, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पर कांग्रेस की दावेदारी है। वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, मुंगेर और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र अब उसकी पहली पसंद नहीं रहे। इस बार की सूची में जुड़ने वाली दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा और पूर्वी चंपारण पसंदीदा नई सीटें हैं। वाल्मीकि नगर के साथ कटिहार और समस्तीपुर पर माले की भी दावेदारी है। बेगूसराय पर भाकपा दावा ठोक रही है तो समस्तीपुर पर माकपा का दावा है। दावेदारी का पहला आधार सामान्यत सीटिंग के साथ निकटतम मुकाबले वाली सीट होती है। कांग्रेस पिछली बार हारी हुई सभी 8 सीटों पर निकटतम प्रतिद्वंदित रही है, लेकिन उनमें से 4 पर वो दावा नहीं कर रही है। जिन नई सीट पर उनकी दावेदारी है उनमें से नवादा और पूर्वी चंपारण को राजद अपने लिए अनुकूल पा रही है। पूर्वी चंपारण पर अखिलेश सिंह की नजर बताई जा रही है। दरभंगा में जेडीयू पहले से पसीना बहा रही है और मधुबनी का जातिगत समीकरण राजद को भाता है। ऐसी उलझन कमोवेश पर हर सीट पर है। 2019 में कांग्रेस सबसे कम मतों के अंतर से कटिहार में हारी थी। वहां पार्टी के दिग्गज तारिक अनवर आज भी तत्पर है। कांग्रेस की दावेदारी सहज है, हालांकि किशनगंज के संदर्भ में जेडीयू का भी यही तर्क हो सकता है। पिछली बार जेडीयू एकमात्र उसी सीट पर कांग्रेस से हारी थी। हार का अंतर 34,666 वोट किशनगंज से कम ही रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।